मेरा नाम नोबल ठाकुर है, मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से कैंपस प्रेसिडेंट बतौर अभी काम कर रहा हूं। अभी हम एकता मंच के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से प्रदेश सरकार ने आज हमने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर हमने कॉल दी थी कि हम पुतले फूंकेंगे, लेकिन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस पुतले फूंकने के लिए पूरी ताकत लगा ली। हम जानते हैं कि वीरभद्र सिंह अपने आप में एक एगोइस्ट है, वो जानते हैं कि उनने जो गलत काम किया है वो गलत काम को जनता के समक्ष नहीं लाना चाहते हैं। उनने क्या करा है कि पूरी पुलिस का तंत्र हमारे सामने लगा लिया है इस पुतले को रोकने के लिए, लेकिन छात्र यूनिटी के चलते हमने उनका पुतला भी फूंका है। मैं ये भी विश्वास करता हूँ पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर उनका पुतला फूंका गया। उनको ये संदेश हम यहाँ से देना चाहते हैं कि आज हमने पुतला फूंका है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के अंदर भी रोष है, वो चाहता है कि जो फीस बढ़ी है वो कहीं ना कहीं कम हो। स्टूडेंट्स ये चाहता है कि जो छात्र संघ के चुनाव बंद हुए वो कहीं ना कहीं बहाल हो। स्टूडेंट ये भी चाहता है कि जो कि रूसा सिस्टम जो हमारा कैंपस ने चला पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर चला है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो। लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है कि आज प्रदेश सरकार ने पुलिस की पूरी ताकत लगाई। पुलिस की पूरी ताकत हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिली, पुलिस की पूरी ताकत डीसी ऑफिस के बाहर देखने को मिली, लेकिन प्रदेश सरकार ने ये सोचा कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट घर चला गया है। लेकिन स्टूडेंट ये भी जानता है कि छुट्टियों का दौर आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट अभी घर नहीं जा रहा है, उस मोमेंट के अंदर लड़ना चाहता है। वो जानता है कि मोमेंट लड़ना कितना इंपॉर्टेंट है। प्रदेश सरकार को हम संदेश देना चाहते हैं कि इस डिसीजन को अगर वापस नहीं लिया गया हम पूरा आंदोलन करेंगे। पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर घोर आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा, पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर उग्र आंदोलन होगा, उसके लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार होगा। अच्छा नवल जी, जैसे दर्शक खड़े होते हैं देखने के लिए प्रोटेस्ट मार्च, आज पुलिस ने खड़े नहीं होने दिया, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी हम जानते हैं कि मैं पहले भी अपनी बात मैंने शुरू करी थी, बात मैंने बोला कि हम पुतला जला रहे हैं डीसी ऑफिस के बारे में, जब हम पुतला जला रहे थे पूरी ताकत लगाई प्रदेश सरकार ने, पूरी ताकत लगाई पुलिस की, वो पुलिस का कहीं ना कहीं मिसयूज कर रहे हैं, हम इसके लिए ये बोलना चाहते हैं। लेकिन हम मीडिया के सामने ये बात उनको संदेश देना चाहते हैं मीडिया के सामने कि इस तरह से पुलिस का मिसयूज करना छोड़ दे। लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर जोश है वो इस डिसीजन जो प्रदेश सरकार ने लिया है उसको कहीं ना कहीं वापस करें। आशीष सिक्टा, स्टेट सेक्रेटरी एबीवीपी। आज पूरे प्रदेश के साथ साथ शिमला शहर के अंदर और इन विश्वविद्यालय के कार्यकर्ताओं के द्वारा शिमला शहर के डीसी ऑफिस के प्रांगण में पुतला फूंका गया। वीरभद्र का पूरे प्रदेश के अंदर जो पिछले एक महीने से विरोध प्रदर्शन चले हुए, पड़ी हुई फीसों को लेकर जो छात्र आंदोलित है, उस आंदोलन को रोकने के लिए किस तरह से जो है प्रदेश की सरकार आज कभी बसों के अंदर स्टूडेंट्स का जो है वो रोकते हैं, कभी विश्वविद्यालय के अंदर लाठीचार्ज होता है, उसी के तहत आज भी जब यहाँ पे लोग आम लोग जो खड़े हुए थे डीसी ऑफिस के प्रांगण में उनको भी किस तरह से पुलिस ने जो है वो उनके साथ बदतमीजी की और धक्का मुक्की करके उनको वहां से हटाया, ये बहुत ही शर्मनाक है। लोकतांत्रिक देश की गरिमाएं हैं, लोकतंत्र के एक अपना देश का एक प्रदेश का एक अपना संविधान है जिसके तहत जो है वो शांतिपूर्वक आंदोलन करने का सभी को हक है। लेकिन आज प्रदेश की सरकार इतनी निरंकुश हो चुकी है कि वो छात्रों के मूवमेंट को जिस तरह से दबा रही है और आम जनमानस जिसका कि इसको समर्थन मिल रहा है उनको भी किस तरह से ये लोग लगातार जो है डरा धमका के और उनके साथ बदतमीजी से पेश आके जो उनको इस आंदोलन से महरूम कर रहे हैं। अच्छा, सीसी से प्रदेश सरकार ने कमेटी बनाई थी फीस की, तो आपसे कुछ सुझाव लिए गए थे? देखिए, कमेटी फीस वृद्धि के निर्णय से पहले बननी चाहिए थी। आज छात्र एकता मंच का इस मंच से कहना चाहती है कि प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले जब ये निर्णय लिया उस निर्णय से पहले एक कमेटी बनानी चाहिए थी, जिस कमेटी में कि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए थे और विश्वविद्यालय का भी कोई जिसमें कि कोई नॉन टीचिंग का एक अच्छा व्यक्ति होना चाहिए था, प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए था। लेकिन आज प्रदेश की सरकार 3 सदस्यीय कमेटी तब बना रही है जबकि इससे पहले ली जा रही है, आज इसे ले रहे हैं फिर कमेटी बना रहे हैं। हम इस मंच से कहना चाहते हैं कि कमेटी बनी चाहे ना बनी, लेकिन फीस वृद्धि पे जो प्रदेश की सरकार ने अपनी चुप्पी साधी है उस चुप्पी को तोड़े और ये जो प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है इस निर्णय को वापस लिया।